अभिषेक कुमार चौधरी 151 जैन सर, हाँ सर मेरा पॉइंट यह है कि सर कि अक्सर सरकारी ड्यूटी जैसे ट्रेनिंग, ट्रांसफर, अटैचमेंट, डी अटैचमेंट, डाक ड्यूटी, कोर्स इत्यादि में जाने हेतु सर कोर्ट नोटिस पर आदेश प्राप्त होते हैं। एक विज्ञान वाहिनी सर पामेड़ एक्सिस छत्तीसगढ़ के अति संवेदनशील इलाके में है, जहाँ से सर बिना आरएसओ मुख्यालय आ पाना संभव नहीं हो पाता, इससे प्री प्लांट टिकट की व्यवस्था नहीं हो पाती। अतः सर आपसे निवेदन है कि रेलवे या आईआरसीटीसी से कोई ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए कि लास्ट मोमेंट पे भी जवानों को कंफर्म टिकट मिल सके। आपको 100% मिलेगा। सही मुद्दा उठाया, सही मुद्दा। 100% मिलेगा, अपने आईजी तक ये बात पहुंचाएं और वो लोकल अरेंजमेंट करके जो इमरजेंसी कोटा होता है 100% मिलेगा आप लोग को। ये अपने आईजी के दफ्तर से ही करा ले, दिल्ली से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब चीजों के आदेश भी जा चुके हैं। जो एयरलाइंस का था ये तो मैंने पहले बता दिया था, रेलवे के साथ भी ये समझौता हो गया है। कौन बताएगा? रेलवे वाला तो रेलवे ने चिट्ठी ये लिखी है, चेयरमैन रेलवे बोर्ड के साइन से ये सभी को चिट्ठी गई है कि अगर सीआरपीएफ का कोई कर्मी इमरजेंसी कोटे में अपनी टिकट के लिए अप्लाई करता है तो उसको प्रायोरिटी पे कोटा दिया जाएगा। ये उन्होंने सभी अपने रेलवे की अथॉरिटीज को चिट्ठी लिखी है, स्टेशन मास्टर तक लेवल पे बुकिंग वहां तक दे दिया है। सिर्फ हमको क्या करना है कि अपना एक निर्धारित अधिकारी व्यक्ति जो कि उनके साथ लेजों करके रखेगा कि ये हमारा व्यक्ति है, इसको चाहिए, और वो करेंगे। उनके पास लिखित आदेश है, अगर जहां पोस्टेड हो वहां पे कोई रेलवे का अधिकारी बोलता है कि हमारे पास ये नहीं आया है तो एक बार यहां से यही जो चिट्ठी है इसकी कॉपी हर सेक्टर में, हर जीसी में दे दी जाए, जिससे कि उनके लोग जाकर उनको रेलवे को भी दिखा दे। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा मानना है ना कि जो ये जो ये जो सुबेदार मेजर वाला रैंक है इसको एक आप अलग से कुछ चीजें भेज दिया करिए, क्योंकि जो जवान से बात है ना वो इन्हीं की होती है, इन्हीं के पास जवान आता है ज्यादातर सिचुएशंस में, बटालियन हेडक्वार्टर लेवल पे। तो जब इनके थ्रू बात फैलेगी तो वो जल्दी भी जाएगी और जिसको चाहिए मदद उसका टेंशन कम होगी, क्योंकि उसको मालूम है कि हो गया। अदरवाइज कई लोगों को मालूम नहीं है, जिसको नहीं मालूम है वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आप कह रहे थे तुमने, आपको नहीं बताया, वो कहेगा आपने कब बताया कि आप ये काम कर रहे हो ना। ये कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा इशू है। और बताओ। बस सर, थैंक यू सर। आधा घंटा और देख लीजिए। प्रमोशन का था सर, और एक नहीं, जो क्लियर हो गए उसको बोले ही नहीं यार, हर मिनट।